जिस गाड़ी में तुम बैठे थे उसका एक्सीडेंट हुआ है कि नहीं? देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए, मेरा नाम हिम्मत मेहंदी नहीं है, मेरा नाम जीडी है। क्या खूनी अजय से सच उगलवाएगा? क्या अजय फंसेंगे पुलिस के ट्रैप में? हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज और मैं हूं अंकिता। 2015 की दृश्यम देखने के बाद कई लोगों को यही लग रहा था कि यह केस अगर सीआईडी को दे देते हैं तो एक घंटे में खूनी मिल जाता और फिर दया खूनी की खूब पिटाई करता। खैर, मजाक की बात छोड़िए, पर अभी इस फिल्म का दूसरा पार्ट आने वाला है और आप कहानी जानने के लिए बेताब हो रहे होंगे, तो हमने सोचा तो आज आपसे पार्ट टू की कहानी डिस्कस की जाए। तो अब कहानी में आएगा 6 से 7 साल का लीप, पर अभी तक विजय सालगांवकर यानी अजय और उसके परिवार के बारे में पुलिस को कुछ पता नहीं चला है। बात करें इंस्पेक्टर मीरा यानी तब्बू की, तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है क्योंकि वह अभी तक अपने खुद के बेटे की केस सॉल्व नहीं कर पाई थी और उनकी जगह पोस्टिंग होती है अक्षय खन्ना की। अक्षय खन्ना अपनी ड्यूटी को लेकर काफी सीरियस होते हैं। जब मीरा पुलिस स्टेशन से सस्पेंड होकर निकलती है उसी वक्त अक्षय की एंट्री होती है और दोनों एक दूसरे से टकराते हैं और तब्बू वहां से निकल जाती है। पर अभी तक तब्बू सदमे में होती है कि उसके बेटे का खूनी कैसे पकड़ा जाएगा, इसलिए वह कुछ दिनों के बाद पुलिस स्टेशन आती है और उसी वक्त देखती है कि अक्षय जेल से छूट एक खूनी के बात कर रहे हैं। यह देख कर तब्बू शॉक होती है, इसे समझ नहीं आता कि एक खूनी से अक्षय ऐसी कौन सी सीरियस बात कर रहे हैं। तब तब्बू अक्षय से पूछती है कि आप उस खूनी से क्या बात कर रहे थे? मैंने तो सुना है कि आप काफी वफादार पुलिस इंस्पेक्टर हैं और पर आप तो मुजरिमों से बात कर रहे हैं। तब अक्षय उसे कहते हैं कि मैडम, अभी आप ही ने तो कहा कि वह मुजरिम था और उससे मैं क्या बात करता हूँ इससे आपका कोई मतलब नहीं। फिर केस का हाल चाल पूछ कर तब्बू वहाँ से निकलती है। फिर कुछ दिनों बाद एक रोती हुई औरत विजय के घर आती है और कहती है कि मुझे सहारा दीजिए, मेरा पति मुझे मार देगा। फिर विजय उसे शांत करके पूछता है कि वह ऐसा क्यों करेगा, तो वो कहती है कि वो अभी अभी जेल से छूटकर आया है और एक खून के आरोप में उसे सजा भी मिल चुकी है, उसके शरीर पर गहरे निशान होते हैं। फिर वही खूनी पति वहाँ पर आकर अपनी पत्नी को ले जाने की कोशिश करता है। विजय उसे रोकता है और कहता है कि तुम ठीक नहीं कर रहे हो। विजय उसे पुलिस स्टेशन ले जाता है, वहाँ पर वह अक्षय खन्ना से उसकी कंप्लेन करता है। अक्षय उसे जेल में बंद करवाता है और विजय के चले जाने के बाद छोड़ भी देता है। यहाँ पर अजय को लगता है कि वह खूनी जेल में ही है, पर एक दिन रास्ते में जाते हुए विजय देखता है कि अक्षय और वह खूनी एक दूसरे से बात कर रहे हैं और अक्षय उसे इशारों में कुछ समझा रहे हैं। यह देखकर विजय को शक होता है कि कहीं कोई उसे फंसाने की साजिश तो नहीं हो रही, इतनी जल्दी इस खूनी को इस इंस्पेक्टर ने कैसे छोड़ दिया। विजय वहां पर खड़ा रहता है और उसी वक्त अक्षय उसे देख लेता है और वह समझ जाता है कि विजय को शक हो चुका है। फिर वह एक नया प्लान बनाता है और उस खूनी को काम पर लगा देता है। यह सारी बातें विजय अपनी पत्नी नंदिनी को बताता है और पूछता है कि क्या वो औरत यहाँ पर फिर आई थी। नंदिनी कहती है कि नहीं, वह तो चली गई। पर थोड़ी देर में वह औरत रोते रोते वहाँ पर आती है और कहती है, प्लीज मुझे बचा लो वरना वह इंसान मुझे मार देगा। हालांकि उसके शरीर पर पिछली बार की तरह मार पिटाई का कोई निशान तो नहीं था। उसके पीछे उसका पति आता है और उसे ले जाने की कोशिश करता है, पर वह औरत विजय को भाई बनाकर कुछ दिन उसे रहने देने की रिक्वेस्ट करती है। फिर वह औरत वहीं पर रहने लगती है, नंदिनी उसकी देखभाल करती है, उससे उसका हाल पूछती है। एक दिन हम देखते हैं कि विजय की बड़ी बेटी अंजू अभी तक उस सदमे से बाहर नहीं आई है और वह बार बार कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। फिर नंदिनी और उसकी छोटी बेटी उसे समझाती है कि तुमने कुछ नहीं किया बेटा, वह लड़का था ही उसके लायक। और तभी वहाँ पे नंदिनी को किसी की परछाई दिखाई देती है। फिर वह औरत नंदिनी की छोटी बेटी जो कॉलेज जाती है उसे बात करने की कोशिश करती है, तुम्हारे पापा काफी अच्छे इंसान हैं, उन्होंने मुझे मेरी खूनी पति से बचाया, पर बेटा तुम अपने पापा से कहना कि मेरे पति से बच के रहें, वह किसी को भी मार सकता है। यह सुनकर वो डर जाती है और कहती है कि मेरे पापा ने कुछ नहीं किया है और भाग जाती है। एक दिन नंदिनी अंजू को लेकर डॉक्टर के क्लिनिक से वापस आती है
तब यह औरत वहाँ पर मौजूद होती है। बाद में नंदिनी से पूछती है कि क्या हुआ है। नंदिनी कहती है कि कुछ नहीं, बचपन में उसके साथ एक हादसा हुआ था, बाकी कुछ नहीं। फिर काम पर जाते वक्त दूसरे दिन भी उसे देखता है कि वह खूनी शख्स एक दरगाह के बाहर ताबीज खरीद रहा होता है। विजय को यह देखकर हैरानी होता है, पर काम पर जाने की जल्दी में उस बात को वहीं छोड़ देता है। फिर उसी दिन जब नंदिनी अंजू की देखभाल कर रही होती है, तो वहां पर यह औरत आती है और नंदिनी को एक ताबीज देते हुए कहती है कि मुझे पता है कि आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, पर आपकी बेटी की हालत मुझसे देखी नहीं जाती, इसलिए मैं यह ताबीज लेकर आई हूँ। इस ताबीज को उसके हाथ पर बांध दीजिए, वह ठीक हो जाएगी। नंदिनी पहले तो उसकी बात पर विश्वास नहीं करती, पर जिस तरह से उसको कन्विंस करती है, नंदिनी उसकी बात मान लेती है और अंजू को ठीक होता हुआ देखने के लिए उसके हाथ पर ताबीज बांध देती है। चलिए, इसके बारे में अपनी राय बताइए कमेंट सेक्शन में लिखकर। वीडियो को लाइक और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड बाय।